सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को मिली वायुश्रेणी की सुरक्षा। अखिलेश यादव से नाराजगी के बीच बढ़ी बीजेपी से नजदीकी। योगी सरकार ने ओम प्रकाश राजभर को दी वायुश्रेणी की सुरक्षा, तो एनडीए में वापसी की लगाई जा रही अटकलें। राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में किया था एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन। योगी सरकार के पहले कार्यकाल की शुरुआत में कैबिनेट मंत्री थे ओम प्रकाश राजभर। 2022 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़े थे ओम प्रकाश राजभर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिन प्रतिदिन हलचल मची हुई है। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी दल बिखरते जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के बाद ओम प्रकाश राजभर को अब राज्य सरकार ने वायुश्रेणी की सुरक्षा दी है। हालांकि शुरुआत में इसे अफवाह बताया जा रहा था, लेकिन अब खुद ओम प्रकाश राजभर ने इस खबर की पुष्टि की है। अब सरकार के इस फैसले के बाद राजभर की घर वापसी की खबर सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी सपा के साथ गठबंधन में हाल ही के राज्य विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा ने 6 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन चुनाव के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव से राजभर की दूरी बढ़ती गई। राष्ट्रपति के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बजाय एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और वहीं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गठित पहली सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। बाद में राजभर ने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया था। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि वायुश्रेणी सुरक्षा में 11 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जिसमें 2 PSO निजी सुरक्षा गार्ड भी होते हैं। शासन द्वारा व्यक्ति की सुरक्षा का आकलन करने के बाद उन्हें उसी आधार पर सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। अब जब राज्य सरकार द्वारा ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा दी गई है, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या राजभर फिर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ओम प्रकाश राजभर की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी, उसके बाद उनके एनडीए में शामिल होने की बातें हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भीमराज दस्तक।